नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिवर सिरोसिस के घरेलू नुस्खों के बारे में, यानी कि कुछ घरेलू उपाय के बारे में। दोस्तों, लिवर सिरोसिस एक तरह की क्रॉनिक बीमारी है और यह लंबे समय तक लिवर के खराब होने से होती है। यह लगातार बढ़ते जाने वाला एक तरह का रोग है जिसमें कि स्वस्थ लिवर टिश्यू नष्ट हो जाते हैं और उनकी जगह नष्ट हुए टिश्यू ले लेते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि लिवर अच्छे से काम करना बंद कर देता है और इस तरह से इस बीमारी में लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इसका उपाय है वो होता है आंवला। दोस्तों, भारत में पाए जाने वाला आंवला ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक क्षेत्रों में पाया जाता है और यह पौष्टिकता से भरपूर फल होता है और पेट की चर्बी कम करने के मामले में आंवला जो है असरकारक होता है। फैटी लिवर के मामले में आंवला का सेवन करना न सिर्फ फायदेमंद है बल्कि यह आसान भी होता है। दोस्तों, आपको चाहिए 3 से 4 आंवले और 1 गिलास पानी। दोस्तों, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो 1 गिलास पानी लें, उसे गर्म करें और उसमें 1 चम्मच आंवले का पाउडर मिलाएं और इसका घोल बना लें और अब इस घोल को दिन में 2 बार पिएं। इसके अलावा आप प्रतिदिन 3 या 4 आंवले का सेवन भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप केवल आंवला न खा सके तो खाना पकाते समय भी आंवले का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, ये कैसे काम करता है, तो आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है और यह एसिडिक होता है और इसके कारण कई तरह की दवाओं को तैयार करने में काम आता है और यह लिवर सिरोसिस में भी काम आता है। और दोस्तों, दूसरा जो उपाय है वो है नींबू। दोस्तों, हमारी रसोई में पड़ा हुआ नींबू केवल शरबत बनाने जैसे कुछ विशेष कामों के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता है, यह कई अन्य कामों में भी इस्तेमाल होता है। फैटी लिवर, मोटापा घटाने, पेट की चर्बी कम करने और वजन घटाने जैसे कई कामों में नींबू किसी औषधि से कम काम नहीं करता। फैटी लीवर डिजीज को दूर करने के लिए नींबू का आप किसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपको चाहिए 1 गिलास पानी और चाहिए 1 नींबू। दोस्तों, आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है, नींबू को अच्छे से धो लें, उसे चाकू से काट लें और अब इस नींबू को पानी में निचोड़ कर घोल बना लीजिए। इस घोल को दिन भर में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें और इस तरह से यह प्रक्रिया कई हफ्तों तक करें। इसका सेवन विशेष रूप से सुबह के समय जरूर करें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पानी के किसी जार में 2 से 3 नींबू डालकर ढक दें और कुछ घंटों तक उसे पड़ा रहने दें और अब पीने के लिए इसी पानी का सेवन करें। दोस्तों, ये काम कैसे करता है, तो नींबू में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और यह एक तरह का ऑक्साइड होता है जो कि ग्लूटाथियोन जैसे एंजाइम तैयार करने का काम करता है। यूं तो ग्लूटाथियोन कई काम करते हैं लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण काम हमारे शरीर में टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने का होता है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि नींबू हमारे लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन के काम में आता है। अब दोस्तों, हम जानेंगे जो इसका तीसरा उपाय है वो है ग्रीन टी। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग कभी ना कभी ग्रीन टी को इस्तेमाल कर ही लेते हैं। ग्रीन टी के कई गुण होते हैं और यह लिवर सिरोसिस में भी कारगर होता है। दोस्तों, आपको चाहिए ग्रीन टी और 1 गिलास पानी। आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच ग्रीन टी घोल लें और हर रोज 3 से 4 कप ठंडी या फिर गर्म ग्रीन टी का सेवन आपको करना है। दोस्तों, ये काम कैसे करता है, तो ग्रीन टी में फ्लेवोनॉइड की काफ़ी मात्रा पाई जाती है और फ्लेवोनॉइड एक तरह का एंटीऑक्साइड होता है जो कि फैटी लिवर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन टी शरीर में जमी चर्बी को कम करने का काम करती है और ग्रीन टी शरीर में लिवर के फंक्शन को भी ठीक करती है। नियमित ग्रीन टी का इस्तेमाल करने से शरीर का वजन और चर्बी दोनों ही कम होते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो उपाय है वो है पपीता। दोस्तों, आयुर्वेद की माने तो पपीता और उसके बीज दोनों ही लिवर सिरोसिस के इलाज में औषधि का काम करते हैं। पपीता जो है वो पोषक तत्वों का भंडार होता है। आपको चाहिए पपीते के कुछ बीज और थोड़ा सा पानी। दोस्तों, इसके लिए पपीते के सूखे हुए 5 से 6 बीज को पीस लीजिए और इसके बाद पपीते के बीज के पीसे हुए पाउडर को 1 चम्मच नींबू के ताजे जूस में मिला लीजिए। अब दिन में 2 बार इसका सेवन करें। इसके बाद थोड़ा सा पका हुआ पपीता खाएं। अगर शहद उपलब्ध हो तो उसे भी मिला लें और खाने में कच्चे पपीते के सूप और सलाद का सेवन करें और ऐसा आप 1 महीने तक करें। दोस्तों, ये कैसे काम करता है, तो पपीते में विटामिन ए, सी और ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन बी जिसमें कि पेंटोथेनिक एसिड, फॉलेट और निकोटिन एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। फैटी लिवर की बीमारियों के लिए पपीते के बीज का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद होता है। उसके बाद दोस्तों, जो उपाय होता है वो होता है सेब यानी कि एप्पल। दोस्तों, फैटी लिवर के लिए सेब का सिरका रामबाण माना जाता है। आपको चाहिए 1 कच्चा आम,
अनफिल्टर्ड सिरका, एक गिलास गर्म पानी और साथ ही साथ चाहिए शहद। दोस्तों आप इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक छोटा चम्मच अनफिल्टर्ड सेब का सिरका लें और इसे एक गिलास गर्म पानी में मिला लीजिए। अब इसमें थोड़ी सी मात्रा में शहद मिला लें और इस घोल को प्रतिदिन खाने से पहले दिन भर में 2 बार सेवन करें। दोस्तों ये कैसे काम करता है, तो सेब का सिरका एसिडिक होता है। यह न सिर्फ लिवर के आसपास इकट्ठा हुई चर्बी को खत्म करता है बल्कि वजन को घटाने और लिवर सिरोसिस में भी मदद करता है। लिवर सिरोसिस के मामलों में यह दवा का काम करता है। दोस्तों यहाँ पर आपको सावधानी क्या बरतनी है, तो इस घोल का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि सेब का सिरका एसिडिक होता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह से डाइल्यूट यानी कि घोल बनाकर पतला कर ले ताकि किसी तरह के खतरे की संभावना से बचा जा सके। इसके इस्तेमाल करने की एक विधि यह भी है कि शुरुआत में घोल बनाने के लिए 1 चम्मच सिरका ही लें। इसके बाद अगर आपको इसके इस्तेमाल से कोई समस्या नहीं हो रही है तो धीरे धीरे मात्रा बढ़ा दें, यानी कुछ दिनों बाद 2 चम्मच सिरके का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सिरके का सेवन नुकसान कर सकता है, इसीलिए इसका सेवन हिसाब से ही करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो है हरी ताज़ी सब्जियाँ। दोस्तों हरी सब्जियों और ताज़े फलों का सेवन लिवर, आंत, हार्ट समेत पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होता है और इसीलिए खाने पीने में हरी सब्जियों और फलों और उनके जूस का सेवन जरूर करें। दोस्तों आपको चाहिए गाजर, लहसुन, ब्राज़ील नट्स, ब्रोकोली, केले, पत्ता गोभी, सब्जियां, पपीता और साथ ही साथ सेब। दोस्तों आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इन फलों और सब्जियों को अच्छे से धो लें। सब्जियों का इस्तेमाल सब्जी बनाकर खाने में कर सकते हैं और फलों का इस्तेमाल धोकर खाने में कर सकते हैं और इसके अलावा पपीता, गाजर, सेब का इस्तेमाल सलाद बनाकर खाने में भी कर सकते हैं। दोस्तों ये कैसे काम करता है, तो विभिन्न तरह की सब्जियों समेत पपीता और सेब लिवर संबंधी बीमारियों के लिए रामबाण होते हैं और इनके इस्तेमाल से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है और पेट साफ रहने के कारण पेट संबंधी बीमारियों के कम से कम होने की संभावना होती है। लिवर सिरोसिस में इन फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।